कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा देश में लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी तक भारत में कुल 74,281 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और राजस्थान में कोरोना पीड़ितों की संख्या 4,213 तक पहुंच चुकी है। चलिए पहले आपको राज्यवार बताते हैं कि किस राज्य में कितने कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं। तो चलिए आंकड़ों पर नजर डालते हैं हम राज्यवार, और शुरुआत जम्मू कश्मीर से जहां पर यह आंकड़ा बढ़कर आज 934 पर पहुंच चुका है। पंजाब में 1,914 पॉजिटिव केसेस अब तक दर्ज किए जा चुके हैं, तो हरियाणा में यह आंकड़ा 780 का है। राजस्थान जहां पर 4,213 पॉजिटिव केसेस यहां पर दर्ज किए गए। गुजरात में यह आंकड़ा 9,000 के करीब पहुंच रहा है, 8,903 कुल पॉजिटिव केसेस यहां पर अब तक आ चुके हैं। तो वहीं महाराष्ट्र जहां पर 24,427 पॉजिटिव केसेस दर्ज किए जा चुके। कर्नाटक में यह आंकड़ा 925 का है, केरल में 524 का यह आंकड़ा है, तो तमिलनाडु में 8,718 संक्रमित है। आंध्र प्रदेश में आंकड़ा 2,090 का है, तेलंगाना में 1,326 पॉजिटिव केसेस है, तो वहीं ओडिशा में 437, पश्चिम बंगाल में आंकड़ा 2,173 तक पहुंच चुका है, तो बिहार में 831 पॉजिटिव केसेस है। इधर उत्तर प्रदेश में 3,664 पॉजिटिव केसेस दर्ज किए जा चुके हैं, तो उत्तराखंड में 69 है, 42 लद्दाख में दर्ज किए गए हैं पॉजिटिव केसेस, तो छत्तीसगढ़ में 59, यानी पिछले 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में तो एक भी पॉजिटिव केसेस नहीं आए। मध्य प्रदेश जहां पर यह आंकड़ा 4,000 के करीब पहुंच रहा है, 3,986 पॉजिटिव केसेस अब तक दर्ज किए जा चुके हैं। तो देश की राजधानी दिल्ली की बात करें, 7,998 केसेस यहां पर अब तक पॉजिटिव आ चुके हैं, यानी लगभग 8,000 पॉजिटिव केसेस यहां पर होने वाले हैं। तो इन आंकड़ों से साफ नजर आता है कि संक्रमित लोगों के बढ़ने का सिलसिला, पॉजिटिव केसेस के बढ़ने का सिलसिला किस तरह से जारी। 74,281 पॉजिटिव केसेस दर्ज किए जा चुके, तो वहीं मौतों का आंकड़ा 2,415 तक पहुंच चुका है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि किस राज्य में कितने लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई। ये पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा आपने देखा, लेकिन चलिए अब राज्यवार मौतों का आंकड़ा भी देखते हैं। महाराष्ट्र जहां पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव केसेस है, वहीं मौतों का आंकड़ा भी सबसे ज्यादा है। 921 लोगों की मौत महाराष्ट्र में हो चुकी है, 24,423 पॉजिटिव केसेस महाराष्ट्र में दर्ज किए जा चुके, लेकिन 921 लोग जिनकी जान नहीं बचाई जा सकी। गुजरात में भी आंकड़ा कितना ज्यादा है, 537 लोगों की मौत अब तक गुजरात में दर्ज की जा चुकी है, 8,903 यहां पर पॉजिटिव केसेस गुजरात में दर्ज किए गए। इधर दिल्ली की बात करते हैं, 106 मौतों का आंकड़ा यहां पर पहुंच चुका है। पिछले अगर 24 घंटे की बात करें, 20 लोगों की मौत दिल्ली में हो चुकी है, 7,998 पॉजिटिव केसेस है, लेकिन मौतों का आंकड़ा 106 तक पहुंच चुका है दिल्ली में। राजस्थान जहां पर यह आंकड़ा 117 का है, 117 लोगों की मौत प्रदेश में हो चुकी है। राजस्थान में 4,213 पॉजिटिव केसेस यहां पर दर्ज किए जा चुके हैं। तमिलनाडु में आंकड़ा 61 का है, लेकिन पॉजिटिव केसेस बहुत ज्यादा यहां पर है, 8,718 है, मौतों का आंकड़ा 61 तमिलनाडु में। इधर मध्य प्रदेश जहां पर मौतों का आंकड़ा भी कितना ज्यादा, 225 लोगों की मौत मध्य प्रदेश में हो चुकी है, पॉजिटिव केसेस यहां पर 3,986 दर्ज किए गए। इधर उत्तर प्रदेश जहां पर 82 मौतें हो चुकी हैं, तो 3,664 यहां पर पॉजिटिव केसेस हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन मौतों का आंकड़ा 82 उत्तर प्रदेश में अब तक दर्ज किया जा चुका है। तेलंगाना जहां पर 32 लोगों की मौत हुई है, 1,326 पॉजिटिव केसेस है, हालांकि यहां पर पॉजिटिव केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं, मौतों के आंकड़े में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, ये एक अच्छी बात जरूर कहेंगे, लेकिन 32 अब तक मौतें जरूर दर्ज की गई हैं तेलंगाना में। आंध्र प्रदेश में भी यही आंकड़ा 46 तक पहुंच चुका है और पॉजिटिव केसेस 2,090 हैं आंध्र प्रदेश में, 46 लोगों की मौत संक्रमण के चलते हुई। केरल जहां पर 4 मौतें हुई हैं, 524 पॉजिटिव केसेस हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा रिकवर केसेस भी शामिल हैं जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं, और केरल में भी मौतों का आंकड़ा काफी दिन से कंट्रोल है, यानी शुरुआती दौर में बस जरूर 4 था। कर्नाटक जहां पर यह आंकड़ा 31 का पहुंच चुका है मौतों का, तो 925 पॉजिटिव केसेस यानी संक्रमित लोगों के आंकड़े दर्ज किए गए। पश्चिम बंगाल में यही आंकड़ा 198 का है, 198 लोगों की मौत हुई है, 2,117 पॉजिटिव केसेस दर्ज किए गए हैं पश्चिम बंगाल में। जम्मू कश्मीर में यह आंकड़ा 10 का है, यानी 10 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है जम्मू कश्मीर में, 934 यहां पर पॉजिटिव केसेस दर्ज किए गए हैं। तो ये राज्यवार मौतों का आंकड़ा था, जिसमें महाराष्ट्र जहां पर पॉजिटिव केसेस सबसे ज्यादा है और मौतों का आंकड़ा भी वहां पर सबसे ज्यादा 900 के पार पहुंच चुका है।